हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का आंसर किया चुका है। यहाँ पर इसको आंसर की देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर जो एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको डालना है, यहाँ पर डे डालना है, मंथ डालना है, यहाँ पर ईयर डालना है, ठीक है। उसके बाद इस लॉगिन, यहाँ पर लॉगिन वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद आप पहुँच जाइएगा यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, करेंगे कि ये जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये थ्री डॉट है, इस थ्री डॉट में क्लिक करना और वहाँ पर डेस्कटॉप मोड आएगा, ये वहाँ पर डेस्कटॉप मोड में कर लेना है, ठीक है। आप डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये सारी चीज़ खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बताएगा, यहाँ उम्मीदवार का नाम, कैंडिडेट नेम बताएगा, यहाँ फादर्स नेम बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑल में करना है, ठीक है। ये जो दिख रहा है यहाँ पर ऑल, ठीक है, इस ऑल में क्लिक करना है आपको, कीजिएगा। डेस्कटॉप साइट पर करने के बाद आपका इस तरह से कुछ यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से बताएगा सारा, यहाँ पर कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट नेम यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर पंजीयन संख्या रहेगा, यहाँ पर कैंडिडेट नेम रहेगा, यहाँ पर फादर्स नेम रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये दिख रहा है यहाँ पर ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स, यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या खुलता है। यहाँ पर कैंडिडेट रिस्पांस पर क्लिक करने पर यहाँ पर क्या खुल जा रहा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट आरआरबी एनटीपीसी क्लिक हेयर, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करना है आपको, ठीक, क्लिक हेयर दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। उसके बाद फिर आपका आंसर शीट खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खुल गया है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा चीज़, फिर वही जितना भी सारा डिटेल है आपका, सारा डिटेल यहाँ पर आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है। पार्टिसिपेट आईडी रहेगा, पार्टिसिपेट नेम रहेगा, सेंटर रहेगा, टेस्ट डेट रहेगा, टाइम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्रिंट करने का ऑप्शन, आप इसको प्रिंट भी करके रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा देर के बाद प्रिंट कीजिएगा, इसको ओपन करने के बाद थोड़ा देर के बाद प्रिंट कीजिएगा ताकि सारा क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे देखना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर इसका ऑप्शन यहाँ जो लगाया गया है, ठीक, यहाँ पर जो ग्रीन कलर का है उसको टिक लगाया गया वो सही है, ठीक है। और यहाँ पर कैंडिडेट जो चूज़ किया ऑप्शन, ये यहाँ पर दिया हुआ है एक नंबर यहाँ पर, और यहाँ पर सही कौन सा है, दो नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ जो कैंडिडेट जो यहाँ टिक लगाया है, ये इसका गलत हो गया, तो एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर रॉन्ग पर देख सकते हैं 1/3 नेगेटिव है, मतलब तीन क्वेश्चन अगर गलत होता तो एक नंबर उसका कट जाएगा, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन सही होता तो उसका एक नंबर मिलता है। तो इस तरह से आपको कर लेना है कितना सही और कितना गलत होता है। यहाँ पर जितना सही होगा, मान लेते हैं यहाँ पर अगर 75 सही होता है, ठीक है, तो आपको 75 नंबर मिलेगा। अगर इसमें से 15 गलत हो गया तो 15 को 3 से भाग दे देना, तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 नंबर यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा। तो 75 में 5 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा आपका, इस तरह से 70 मार्क्स आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, आगे और भी क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन के हैं, 4 नंबर आंसर, ये 4 नंबर टिक लगाया, ये सही है, ठीक है, इसका 4 नंबर सही है। 3 नंबर देख सकते हैं, इसका 2 नंबर ऑप्शन, यहाँ पर ये भी 2 नंबर ऑप्शन टिक लगाया है, तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं।